नमस्कार साथियों, आज बात करने वाले हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ट्रेडमार्क बहुत ही पॉपुलर है, कोई भी बिजनेस आप शुरू करने जा रहे हैं, क्या आप ऑनलाइन मार्केट में उसे बेचना चाहते हैं या आपका ब्रांड नेम है, कंपनी नेम अलग भी हो सकता है, यानी कि ब्रांड का ऑनर आप खुद भी हो सकते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में, या कंपनी या ओपीसी एलएलपी, जो भी जिस एंटिटी को आप इसका राइट देना चाहते हैं वो हो सकता है। ट्रेडमार्क में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो मैं इसमें बात करूंगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो आपने देखा ही, रॉन्ग क्लास का सेक्शन, चैलेंजेस ऑफ ट्रेडमार्क की लोग बहुत सारे कंफ्यूजन में, क्योंकि जो इसमें कंसल्टेंट को जो फी पे करते हैं वो इतना मिनिमम होता है कि वो टाइम इन्वेस्ट नहीं करता और वो रॉन्ग क्लास सेलेक्ट करता है। तो रॉन्ग क्लास का मतलब यह है कि जो ट्रेडमार्क का पर्टिकुलर क्लास है एज पर बिजनेस ऑब्जेक्टिव, उसी में आपकी फाइलिंग होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर के लिए अलग से क्लास बना हुआ है, फूड के लिए अलग से क्लास बना हुआ है, अगर आप फाइनेंसिंग का बिजनेस करते हैं उसका अलग क्लास है, अदर सब्सटेंसेस जो यूसेज बेसिस पे ट्रेडमार्क होता है, अगर कोई क्लास नहीं मिल रहा है तो जो प्रोडक्ट के लिए आप ट्रेडमार्क ले रहे हैं उसका यूज क्या होगा, तो यूज बेसिस पे आप क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी गलती जो लोग करते हैं कि अपने कंपटीटर्स को या सिमिलर ब्रांड नेम को चेक नहीं करते। सिमिलर ब्रांड नेम को चेक करना इतना जरूरी है कि आपका बिजनेस बंद हो सकता है। अगर सिमिलर ब्रांड नेम जिसके वैसे तो 3 डिजिट, लेकिन कम से कम कोशिश कीजिए कि 4 डिजिट तक किसी से मैच नहीं कर रहा हो। अगर वो मैच कर गया तो आपके ट्रेडमार्क को अपोज कर दिया जाएगा, वो पार्टी आपको अपोज कर देगी या उससे पहले रजिस्टर्ड ही आपको ऑब्जेक्ट कर देगा कि भैया ये ट्रेडमार्क हम तुमको नहीं दे सकते। फाइलिंग तो हो गई, फंस गए। तो पूरा रिसर्च जरूरी है, और रिसर्च तभी हो पाएगा जब आप एक जेन्यून लोगों के साथ काम करेंगे, एक प्रॉपर कॉस्ट पे करके इस काम को आप कर रहे हैं। आपने क्लास सेलेक्ट कर ली, आपने राइट डिस्क्रिप्शन ले लिया, आपने कंप्यूटर रिसर्च कर लिया, अब उसकी फाइलिंग ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री पे ऑनलाइन होती है। उसके बाद रजिस्ट्रार 30 डेज टू 60 डेज में उस पर रिस्पॉन्स करेगा। रजिस्ट्रार कोई दिक्कत होगी तो एग्जामिनेशन फेल्ड कर देगा अगर कोई एरर होगा तो, और कोई दिक्कत होगी तो आपको ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का रिस्पॉन्स आपको करना होता है। जनरली लोग कन्फ्यूज है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का मैंने काम करवा लिया है तो मेरा काम खत्म हो गया, नहीं। रजिस्ट्रेशन जो फाइलिंग प्रोसेस है वो अलग है, और आगे का जो लीगल प्रोसेस है, या चाहे वो ऑब्जेक्ट हो रहा हो या कोई अपोज कर रहा हो, मान लो कि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, रजिस्टर्ड ने एडवर्टाइजमेंट कर दिया इन जनरल पब्लिक को कि भैया आप देखो क्या आपको कोई दिक्कत है इस ट्रेडमार्क के ऊपर, कोई पब्लिक कोई कंपनी आगे कहती नहीं मेरा ट्रेडमार्क तो मैच करता है, मैं इसको ऑब्जेक्ट करूंगा, ऑब्जेक्ट करेगा तो अपोजिशन फाइल करेगा वो, आपको भी उसका रिस्पॉन्स फाइल करना होगा और इस पर हियरिंग चलेगी। जो रजिस्ट्रार है कंट्रोलर वो डिसाइड करेंगे कि ये देना है नहीं देना, वो डिनाई भी कर सकते हैं एक किसी पार्टी जो उनको लगता है कि ये पार्टी बाद में आई। ट्रेडमार्क उसके आगे अगर रजिस्ट्रार डिनाई कर रहा है तो आपको कोर्ट जाके उसको रिश्योर कराना पड़ेगा, बहुत ही लंबा प्रोसेस है। कोई ट्रेडमार्क आपका कॉपी कर रहा है उसको, उसके लिए भी लॉ बना हुआ है। ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई भी आपको लीगल सर्विसेज चाहिए, फाइलिंग अपोजिशन ऑब्जेक्शन, या कोई ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट हो गया है, आपका कॉपी हो गया है, आपके प्रोडक्ट कॉपी हो गया, वेबसाइट कॉपी हो गया, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को दबाइए, और चैनल पे हमेशा बने रहने के लिए कमेंट कीजिए अगर कोई क्वेश्चन आपके पास है या कोई क्वेरी है, आप info@corbis.io पे हमें मेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट aurora.corbis.io पे विजिट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। जय हिंद, आप हमेशा के लिए सुरक्षित रहें। धन्यवाद।